पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब संत पौलुस को एक मौका मिलता है कि वह यहूदियों के बीच में कुछ भाषण दें, तो वह इज़राइल के मुक्ति के बारे में बात करते हैं। इज़राइल को ईश्वर चुनता है, वहाँ से लेकर प्रभु यीशु के जीवन तक वे उनके सामने रखते हैं। एक मौका था जिसे वे प्रभु के बारे में बताने का जो सौभाग्य मिला उसका फ़ायदा उठाए और निडर होकर प्रभु के बारे में उनके सामने संदेश रखा। क्रिसमस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी बहुत सारे मौका मिलता है जब हम प्रभु के लिए साक्षी दे सकें, लेकिन हम पीछे हट जाते हैं या हिचकिचाते हैं या प्रभु के बारे में बताना ही नहीं चाहते हैं। आइए हम ईश्वर से कृपा मांगें कि वे संत पौलुस जैसे हमें बनाए, ताकि जो भी मौका हमें मिलता है वहाँ पर हम प्रभु का साक्षी दे सकें। उन क्षणों को याद करें जब हम ऐसे मौक़ों को गवा दिए हैं, प्रभु के लिए साक्षी नहीं दे पाए हैं, तो ईश्वर से माफ़ी मांगें और योग्य बनकर इस मिसा बलिदान में भाग लें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पतित मानव स्वभाव को बपतिस्मा द्वारा शुद्ध करके पहले से भी अधिक गौरवमय बना दिया है। अपने प्रेम तथा दया के इस मुक्ति कार्य की याद कर और हमें सदा अपनी कृपा तथा आशीष का पात्र बनाए रख। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करें, ताकि योग्य रीति से आप ईश्वर का वचन सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ, प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वाक्य संख्या 13-25। पाठ का मूल वाक्य, ईश्वर ने दाऊद के वंश में मुक्तिदाता यीशु को उत्पन्न किया है। पौलुस और उसके साथी नाव से चलकर पाफोस से पामफिलिया के पेरेजे पहुँचे। वहाँ योहन ने उन्हें छोड़ दिया और वह यरूशलेम लौटा। पौलुस और बरनाबस पेरेजे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुँचे।
वे विश्राम के दिन सभागृह में जाकर बैठ गए। संहिता तथा नबियों का पाठ समाप्त हो जाने पर सभागृह के अधिकारियों ने उन्हें यह कहला भेजा, भाइयों, यदि आप प्रवचन के रूप में जनता से कुछ कहना चाहे तो कहिए। इस पर पौलुस खड़ा हो गया और हाथ से उन्हें चुप करने का संकेत कर बोला, इजरायली भाइयों और ईश्वर भक्त सज्जनों, सुनिए। इजरायली प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना, उन्हें मिस्र देश में प्रवास के समय महान बनाया और वह अपने भुजबल से उन्हें वहाँ से निकाल लाया। उसने 40 बरस तक मरुभूमि में उनकी देखभाल की। तब उसने कनान देश में 7 राष्ट्रों को नष्ट किया और उनकी भूमि हमारे पूर्वजों के अधिकार में दे दी। लगभग 450 वर्ष बाद वह उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त करने लगा और नबी सामूएल के समय तक ऐसा करता रहा। तब उन्होंने अपने लिए एक राजा की मांग की और ईश्वर ने उन्हें बेंजामिन वंशी कीश के पुत्र साउल को प्रदान किया, जो 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य येसे का पुत्र दाऊद मिल गया है, वह मेरी सब इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इज़राइल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात येसु को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत योहन ने इज़राइल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय योहन ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी, मेरी सत्य प्रतिज्ञता आकाश की तरह चिरस्थाई है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया, मेरा हाथ उसे संभालते रहेगा और मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी, मेरे नाम के कारण उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और उद्धारक है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। जय घोष। आलेलुया। हे यीशु मसीह, आप विश्वसनीय साक्षी और मृतकों में से पहलौटे हैं। आपने हमें प्यार किया और अपने रक्त से हमें पाप से मुक्त किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
शिष्यों के पैर धोने के बाद यीशु ने उनसे ये कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा है। यदि तुम ये बातें समझकर इनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य हो। ये मैं तुम सबों के विषय में नहीं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने किन किन लोगों को चुना है, परंतु यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लंगी मारी है। अब मैं तुम्हें पहले ही ये बताता हूँ, जैसे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे कह देता हूँ, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं संत पौलुस और उनके साथी एक यात्रा करते हैं। इस यात्रा में संत पौलुस अगुवाई करते हैं। वो साथी कौन है? बरनबास उनका साथी थे। जो व्यक्ति आज तक अगुवाई कर रहा था वो अभी दूसरा स्थान ले चुका है, उसमें कोई शिकायत नहीं। वो वही चाहता है कि ईश्वर का कार्य आगे बढ़े, ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचे, इसलिए वो कोई शिकायत नहीं करता है। इसके आगे संत पौलुस ये मिशनरी कार्य को काफ़ी रफ्तार से करते हैं। क्रिस्म मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत बरनबास से हम सीख सकते हैं कि जिस प्रकार संत पौलुस आने पर वो दूसरे स्थान ले लिए, वैसे क्या जब कोई हमसे अच्छा करने वाला कोई कार्य, हमसे बेहतर कोई कार्य करता है, क्या हम उसको पहला स्थान देने के लिए तैयार है? और आगे सुनते हैं संत पौलुस और उनके साथी यानी बरनबास दोनों पिसिदिया अंतियोकिया की ओर जा रहे हैं। ये समुद्र तट से लगभग 3600 फीट ऊंचा है। वो जगह काफ़ी खतरा भी है, बहुत सारे चोर भी वहाँ रहते थे, इसके बावजूद भी ये वो जगह से होकर ईश्वर का संदेश सुनाने के लिए पिसिदिया अंतियोकिया पहुँचते हैं। और संत पौलुस उस समय काफ़ी बीमार भी थे, इसका विवरण हम दूसरे कुरिन्थियों के पत्र में पढ़ते हैं, अध्याय 12 वाक्य 7 से 8 तक। इस समय संत पौलुस बीमार थे, इसके बावजूद भी वे ईश्वर का संदेश सुनाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये बात हमारे लिए भी एक चुनौती है। संत पौलुस बीमार होने के बावजूद भी ईश्वर का संदेश सुनाने के लिए जाते हैं। ईश्वर हमें सब कुछ दिया है, लेकिन क्या हम उसका संदेश उतने शक्ति के साथ करते हैं, ये हमें पूछना है। और आज के सुसमाचार में तीन महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। सबसे पहले यूदस ईश्वर के साथ या प्रभु के साथ धोखा करता है। अंतिम ब्यालु के समय हम देखते हैं यूदस सिपाहियों को लेकर प्रभु के पास आता है और प्रभु येसु को पकड़वाता है। उसने प्रभु के साथ धोखा किया है, इसलिए वचन कहता है, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लंगी मारी है। यानी जो व्यक्ति प्रभु के साथ मित्रता से रह रहा था वही प्रभु का दुश्मन बना है। और दूसरी बात, जब ईश्वर की योजना के तहत हम जीवन बिताते हैं तो उसी में जो भी कठिनाइयां आती है तो उन्हें हम खुशी से स्वीकारना है, खुशी से अपनाना है।
इसलिए प्रभु यीशु जो ईश्वर की इच्छा है उसमें कठिनाइयों को देखने के बावजूद भी ईश्वर की इच्छा के अनुसार वे जीवन बिताते हैं। और तीसरी बात, जो व्यक्ति वफादार है उनका भी ईश्वर गुणगान करते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के कार्य करते हैं। उनको मालूम था एक न एक दिन जो व्यक्ति मेरे प्रति ईमानदार है, वफादार है, वो मेरा संदेश कोने कोने तक ले जाएगा। इसलिए क्रिसमस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के वफादार बने रहें। जो संदेश उन्होंने हमें दिया है उसको संत पौलुस के, संत बरनबास के समान लोगों तक पहुंचाएं। आमीन। के पासन पधारे अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे, इन भेंट वस्तु के साथ कलमश बिंदल हमारा, तुझको जगाने को आए आते हैं दिल हम समाकर, तुझको चढ़ाने को आए प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे सम्मुख पहुंचे, हम तेरी कृपा से विशुद्ध हो जाए और इस महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताएं। ये वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नव निर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है, इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के
आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं, धन्य हम सब जो इनके बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त आनंद काल के लिए मेरी रक्षा करता रहे, आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। अल्लेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। ये पास का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करें, और ये मुक्तिदायी भोजन हमारे हृदय में साहस का संचार करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। अलेलुया, अलेलुया। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हमें सबको अपनाया, आओ हम मिलकर
कर गाएंगे उसकी धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने हमको दी है शिफा, पाप हमारे माफ किया। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसकी धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपना